जैसा कि शब्द से ही पता चलता है कि आधुनिक का अर्थ आज है इसलिए आज जो कला की जाती है वह आधुनिक कला है इट इज द आर्ट दैट नो लॉन्गर फॉलोज द ट्रेडिशनल स्टाइल्स एंड वैल्यूज एंड पर्टिकुलरली रेफर्स टू द आर्ट दैट वॉज क्रिएटेड बिटवीन द लेट नाइन्टींथ एंड द लेट ट्वेंटी सेंचुरीज यह वह कला है जो अब पारंपरिक शैलियों और मूल्यों का पालन नहीं करती है और विशेष रूप से उस कला को संदर्भित करती है जो 19वीं सदी के अंत और 20वीं शताब्दी के अंत के बीच बनाई गई थी अनदर टर्म विच इज ऑल्सो यूज इन द सेम कॉन्टेक्स्ट इस कॉन्टेम्प्ररी आर्ट विच ब्रॉडली इंक्लूड्स ऑल आर्टिस्ट्स एंड ग्रुप्स लिविंग ऑर अकरिंग एट द सेम टाइम अराउंड द वर्ल्ड एक अन्य शब्द जो इसी संदर्भ में प्रयोग किया जाता है वह है समकालीन कला जिसमें व्यापक रूप से दुनिया भर में एक ही समय में रहने वाले या होने वाले सभी कलाकार और समूह शामिल है वाइल्ड स्टार्डिंग आर्ट वी जनरली फॉलो द कोर्स ऑफ आर्ट इन द सीक्वेंस ऑफ पेंटिंग स्कल्पचर एंड ग्राफिक्स कला का अध्ययन करते समय हम आमतौर पर चित्रकला मूर्तिकला और ग्राफिक्स के क्रम में कला के पाठ्यक्रम का पालन करते हैं graphics is a very recent development in comparison to the other two anya do ki mein, graphics vikas hai firstly the invention of photography in the 19th century drastically affected the visual arts and later in 21st century when computer entered the field the options and in creativity increased by manifolds sabse pehle उन्नीसवीं शताब्दी में फोटोग्राफी के आविष्कार ने दृश्य कलाओं को काफी प्रभावित किया और बाद में 21वीं शताब्दी में जब कंप्यूटर ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया तो रचनात्मकता में विकल्प कई गुना बढ़ गए आर्ट इन द मीन वाइल प्रोग्रेस ग्रेजुअली फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट इस बीच कला धीरे धीरे ठोस से अमूर्त की ओर बढ़ी वॉट अ कैमरा कुड कैप्चर इन द क्लिक ऑफ अ बटन एंड कंप्यूटर कुड क्रिएट बाई इट्स इफेक्ट नो लॉन्गर इंस्पायर दर्टिस्ट एज दब्जेक्ट्स एक बटन के क्लिक में एक कैमरा क्या कैप्चर कर सकता है और कंप्यूटर अपने विशेष प्रभावों से बना सकता है अब कलाकारों को उनके विषयों के रूप में प्रेरित नहीं किया दो इन रिस्पॉन्स टू द न्यू डिवेलपमेंट्स द आर्टिस्ट स्टार्टेड पेंटिंग फॉर हिज ओन प्लेजर एंड सैटिस्फैक्शन इसलिए नए विकास के जवाब में कलाकार ने अपनी खुशी और संतुष्टि के लिए पेंटिंग करना शुरू कर दिया ही डिड नॉट केयर फॉर द डिज़ायर और लाइकिंग ऑफ अदर्स एंड गेव अ न्यू फॉर्म टू द लिविंग ऑफ विजिबल ऑब्जेक्ट्स बाय हिज ओन इमेजिनेशन उन्होंने दूसरों की इच्छा या पसंद की परवाह नहीं की और अपनी कल्पना से जीवित या दृश्यमान वस्तुओं को एक नया रूप दिया He now represents nature and life by means of self-made symbols which could be stylized, metaphysical or abstract. वह अब स्वनिर्मित प्रतीकों के माध्यम से प्रकृति और जीवन का प्रतिनिधित्व करता है जिसे शैलीबद्ध आध्यात्मिक या अमूर्त किया जा सकता है इन द वेस्ट द मॉडर्न पीरियड स्टार्ट विद द इम्प्रेशनिस्ट पश्चिम में आधुनिक काल की शुरुआत प्रभाववादियों से होती है इंडिया After its independence, followed the same pattern of the art movements of the West or the world in general. Bharat ne apni swatantrata ke baad, paschim ya samanya roop se dunya ke kala andolono ke saman pattern ka palan kia. Our artists became keen to know about the latest developments in the world of painting and tried to learn them. हमारे कलाकार पेंटिंग की दुनिया में नवीनतम विकास के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए और उन्हें सीखने की कोशिश की इम्प्रेशनिज्म पोस्ट इम्प्रेशनिज्म एक्सप्रेशनिज्म और पोस्ट एक्सप्रेशनिज्म प्रभाववाद प्रभाववाद के बाद अभिव्यक्तिवाद या उत्तर अभिव्यक्तिवाद फोविज्म रियलिज्म पोपन ओपी आर्ट एट्सेट्रा हैड अ डेफिनेट इफेक्ट ऑन इंडियन आर्ट फाउविज्म रियलिज्म पॉप और ओप आर्ट आदि का भारतीय कला पर निश्चित प्रभाव पड़ा ऑलमोस्ट एवरी आर्टिस्ट ऑफ रिप्यूट विज्ञान विद वन काइंड ऑफ आर्ट ऑफ दी अदर ख्याति के लगभग प्रत्येक कलाकार ने किसी न किसी प्रकार की प्रतिनिधित्वात्मक या आलंकारिक कला या अन्य के साथ शुरुआत की देन थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ एलिमिनेशन एंड सिंप्लीफिकेशन He reached near non-figurative and or totally non-figurative or abstract levels in art. This evolution resulted due to the Western concepts related to human identity, time and space, influence of Cubism, abstraction, and a variety of expressionistic trends. whichever he could identify with. यह विकास मानव पहचान से संबंधित पश्चिमी अवधारणाओं घनवाद के समय और स्थान प्रभाव अमूर्तता और विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तिवादी प्रवृत्तियों के कारण हुआ जो भी वह पहचान सकता था मेजर मॉडर्न ट्रेंड्स फ्रॉम 1947 फोर्टी सेवन एडी लिटरेचर साइंस एंड आर्ट्स हैव डिवेलप्ड न्यू टेक्निक्स इन ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस ऑफ आर्टिस्टिक एक्टिविटी प्रमुख आधुनिक रुझान उन्नीस सौ से साहित्य विज्ञान और कला ने कलात्मक गतिविधि की लगभग सभी शाखाओं में नई तकनीकों का विकास किया है रवींद्रनाथ टैगोर इज सेट टू बी द फर्स्ट मैन इन इंडिया टू पेंट इन मॉडर्न आर्ट रवींद्रनाथ टैगोर को आधुनिक कला में चित्रित करने वाला भारत का पहला व्यक्ति कहा जाता है कंटेम्प्ररी इंडियन आर्ट हैज ट्रैवल्ड अ लॉन्ग वे सिंस द डेज ऑफ रवि वर्मा अमृता शेरगिल अबनिन्द्रनाथ टैगोर एंड हिस्स फॉलोअर्स समकालीन भारतीय कला ने रवि वर्मा अमृता शेरगिल अबनिन्द्रनाथ टैगोर और उनके अनुयायियों के दिनों से एक लंबा सफर तय किया है लेट इस क्लासीफाई द मेजर लैंडमार्क्स ऑफ द मॉडर्न इंडियन आर्ट सीन आइए हम आधुनिक भारतीय कला परिदृश्य के प्रमुख स्थलों को वर्गीकृत करें One, Raza Ravi Varma was the earliest to blend the Indian traditions with European techniques that included all paint and easel painting. Ek Raza Ravi Varma sabse pehle Bhartiya paramparaon ko European techniko ke milane wale the, jisme all paint aur chitraflak painting shamil the. He recreated the themes of Hindu mythology and also made oleographs of his works resulting in a widespread reach to the masses. उन्होंने हिंदू पौराणिक कथाओं के विषयों को फिर से बनाया और अपने कार्यों के ओलेग्राफ भी बनाए जिसके परिणामस्वरूप जनता तक व्यापक पहुंच हुई द पोर्ट्रल इज सो ब्रिलियंट दैट वी स्टिल इमेजिन द गॉड्स एंड गॉडिस इज जस्ट लाइक द वंस शोन इन हिज पेंटिंग्स चित्रण इतना शानदार है कि हम अभी भी उनके चित्रों में दिखाए गए देवी देवताओं की तरह ही कल्पना करते हैं 2. Then came the Bengal School of Art in the early 20th century, which drew inspiration from the rich cultural heritage of India. Though, Iske Baad 20वीं सदी की ki mein Bengal School of Art aya, Jisne Bharat ki सांस्कृतिक Sanskritik Virasat se ली. The Bengal School artists were the revivalists who brought a Renaissance superscript to in Indian art when it was about to be lost and kept into museums as no longer alive. बंगाल स्कूल के कलाकार पुनरुत्थानवादी थे जिन्होंने भारतीय कला में एक पुनर्जागरण लाया जब यह खो जाने वाला था और संग्रहालयों में अब जीवित नहीं था दे ब्रॉट बैक द रिस्पेक्ट टू द इंडियन आर्ट विच वॉज बैटर्ड बाई द ब्रिटिशर्स वे उस भारतीय कला के प्रति सम्मान वापस लाए जिसे अंग्रेजों ने पस्त कर दिया था अबनिंद्रनाथ टगोर इनिशिएटेड दिस स्कूल विच हैज लेफ्ट अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द इंडियन आर्ट सीन अवनिंद्रनाथ टैगोर ने इस स्कूल की शुरुआत की जिसने भारतीय कला परिदृश्य पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है द सिंसियर एफर्ट्स ब्रॉट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन टू वन पीपल लाइक ई बी हवेल एंड लेडी हेरिंगम ज्वाइंट हैंड्स ईमानदार प्रयासों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी हासिल की जब ही भी हैवेल और लेडी हेरिंगम जैसे लोगों ने हाथ मिलाया गगनेन्द्रनाथ टैगोर नंदलाल बोस Benodebhari Mukherjee, Mukul Dey and Asit Kumar Haldar among others were the main contributors. Gagnendranath Tagore, Nandalal Bose, Benodebihari Mukherjee, Mukul Dey and Asit Kumar Haldar were the main contributors Yogdan other 3. A visionary university of Santiniketan was established by Rabindranath Tagore in Bengal which focused on the preservation and upliftment of the Indian culture, values हेरिटेज एंड रूरल एंड फोक स्टाइल्स तीन बंगाल में रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन का एक दूरदर्शी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था जो भारतीय संस्कृति मूल्यों विरासत और ग्रामीण और लोक शैलियों के संरक्षण और उत्थान पर केंद्रित था इट ऑल्सो इंक्लूडेड अनाथ स्कूल कॉल्ड काला भवन विच वॉज फाउंडेड इन नाइनटीन नाइनटीन इसमें कला भवन नामक एक कला विद्यालय भी शामिल था जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी फो अमृता शेरगिल अ कॉन्टेम्प्री ऑफ बेंगाल स्कूल आर्टिस्ट वॉज वन ऑफ द मेन एक्सपोनेंट्स ऑफ वेस्टर्न टेक्निक्स हु डिवेलप्ड न्यू एस्थेटिक इन हर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन कल्चर चार बंगाल के स्कूली कलाकारों की समकालीन अमृता शेरगिल पश्चिमी तकनीकों की मुख्य प्रतिपादकों में से एक थी जिन्होंने भारतीय संस्कृति की अपनी व्याख्या में एक नया सौंदर्य विकसित किया हर आर्ट क्लियरली कंबाइंड इंडियन एंड पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट स्टाइल्स पर्टिकुलरली दैट ऑफ गॉजिन ए पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट ऑफ फ्रांस उनकी कला ने स्पष्ट रूप से भारतीय और पोस्ट इंप्रेशनिस्ट शैलियों को जोड़ा विशेष रूप से गॉगिन फ्रांस के एक पोस्ट इंप्रेशनिस्ट कलाकार की शी इज द मोस्ट पॉपुलर फीमेल आर्टिस्ट ऑफ द कंट्री टिल डेट वह अब तक देश की सबसे लोकप्रिय महिला कलाकार है फाइव अनादर मेजर चेंज केम विद द फॉर्मेशन ऑफ द कैलकाटा ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट इन 1943 फोर्टी थ्री अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ बेंगाल फर्माइंड दैट यर विच किल थाउजेंड्स ऑफ पीपल उस वर्ष बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि के खिलाफ 1943 में कलाकारों के कलकत्ता समूह के गठन के साथ एक और बड़ा बदलाव आया जिसमें हजारों लोग मारे गए द ईयर नाइनटीन फोर्टी थ्री वॉज अ टाइम ऑफ सोशल एंड पोलिटिकल डिस्टर्बेंस कॉस्ड बाई द इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू एंड द वाइड स्प्रेड पोलिटिकल एंड कम्यूनल वायलेंस वर्ष 1943 द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों और व्यापक राजनीतिक और सांप्रदायिक हिंसा के कारण सामाजिक और राजनीतिक अशांति का समय था द फाउंडर्स ऑफ द ग्रुप वो प्रदोष गुप्ता गोपाल घोष रथिन मैत्रा निरोदे मजूमदार सुभो टगोर एंड प्रंकृष्ण पाल समूह के संस्थापक प्रदोष गुप्ता गोपाल घोष रथिन मैत्रा निरोध मजूमदार सुबो टैगोर और प्राण कृष्ण पाल थे द फिलॉसफी वॉज आर्ट ऑफ चेंज एंटी एंटी एंटीसेंटिमेंटल सबवर्सिव सुपरस्क्रिप्ट ऑफ स्क्रिप्टविन उनका दर्शन था परिवर्तन की कला विरोधी उदासीन विरोधी विध्वंसक पदानुक्रमों का सिक्स द इवन बिगर रिबेलियस मूवमेंट ऑफ मॉडर्न पेंटिंग ओरिजिनेटेड इन बॉम्बे शॉर्टली आफ्टर 1947 फोर्टी सेवन एडी बाय द नेम प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप छह मॉडर्न पेंटिंग का और भी बड़ा विद्रोही आंदोलन उन्नीस सौ ई के तुरंत बाद बॉम्बे में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के नाम से शुरू हुआ इट वॉज फॉर्म टू एस्केप द लिमिट्स ऑफ बोथ कॉलोनियल एकेडमिक आर्ट एंड द नेशनलिस्ट रिवाइवल ऑफ द बंगाल स्कूल इसका गठन औपनिवेशिक अकादमिक कला और बंगाल स्कूल के राष्ट्रवादी पुनरुद्धार दोनों की सीमाओं से बचने के लिए किया गया था They wanted to express their originality in a modern style and explore the contemporary international art scene. वे आधुनिक शैली में अपनी मौलिकता व्यक्त करना चाहते थे और समकालीन अंतर्राष्ट्रीय कला परिदृश्य की खोज करना चाहते थे इट्स फाउंडर्स वो फ्रांसिस न्यूटन सूजा एंड एस एच रजा एम एफ हुसैन एंड मनीषी दे वो दर्ली मेम्बर्स इसके संस्थापक फ्रांसिस न्यूटन सूजा और एस एच रजा थे एम एफ हुसैन और मनीषी दे शुरुआती सदस्य थे दे एक्सप्लोर्ड अ वराइटी ऑफ स्टाइल्स इंक्लूडिंग एक्सप्रेशनिज्म क्यूबिज्म प्रिमिटिविज्म सरिलिज्म एंड एक्सप्रेशनिज्म उन्होंने अभिव्यक्तिवाद घनवाद आदिमवाद अति और अभिव्यक्तिवाद सहित विभिन्न शैलियों की खोज की ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द मेजर आर्टिस्ट्स ऑफ इंडिया इन द नाइनटीन फिफ्टीज व एसोसिएटेड विद द ग्रुप 1950 के दशक में भारत के लगभग सभी प्रमुख कलाकार समूह से जुड़े थे अकबर पदमसी, राम कुमार लक्ष्मण पाई टाइब मेहता के एच अरा जहांगीर सबवाला सतीश गुजराल वी एस गायतोंडे कृष्ण खन्ना एंड मोहन सामन। इनमें अकबर पदमसी राम कुमार लक्ष्मण पाई तैयब मेहता के एच आरा जहांगीर सबावला सतीश गुजराल वीएस गायतोंडे कृष्ण खन्ना और मोहन सामंत प्रमुख थे इन 1949 डेली शिल्पी चक्र केम के बीसी सान्याल प्राणनाथ मेगो कंबल कृष्णा के एस कुलकर्णी एंड धनराज भगत सात उन्नीस सौ उनचास में दिल्ली शिल्पी चक्र संस्थापकों के साथ अस्तित्व में आया बी सी सान्याल मागो कंवल कृष्णा के एस कुलकर्णी और धनराज भगत दिस ग्रुप गेव अ न्यू लाइफ टू आर्टिस्ट हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान पार्टीशन इस समूह ने विभाजन के बाद पाकिस्तान से पलायन करने वाले कलाकारों को एक नया जीवन दिया बाय their एफर्ट्स Delhi एंड मुंबई which डिड नॉट हैव इवन अ सिंगल गैलरी इन 1947, were home to होम टू सेवरल galleries आर्ट गैलरीज बाय द उनके प्रयासों से दिल्ली और मुंबई में उन्नीस में एक भी गैलरी नहीं थी साठ के दशक तक कई व्यावसायिक कला दीर्घाओं का घर था एट इन नाइनटीन फिफ्टी सेवन द बड़ोडा ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट वॉज फॉर्म्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एस बेंद्रे आठ उन्नीस सौ सत्तावन में एन एस बेंद्रे के मार्गदर्शन में बड़ौदा ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट का गठन किया गया था प्रोमिनेंट आर्टिस्ट ऑफ बड़ोडा इंक्लूड Bhupen Khakhar, Gulam M Sheikh, Jyoti Bhatt, Dave, Vivan Sundaram and K.G. Subramanyam. Baroda ke pramukh kalakaro me Bhupen Khakhar, Gulam M Sheikh, Jyoti Bhatt, Dave, Vivan Sundaram or K.G. Subramanyam. Nine meanwhile in South India artistic practices and education were also on a parallel path towards modernism when reputed painter एंड स्कल्प्टर डी पी रॉय चौधरी केम डाउन फ्रॉम बेंगाल नौ इस बीच दक्षिण भारत में कलात्मक अभ्यास और शिक्षा भी आधुनिकतावाद की ओर समानांतर पथ पर थे जब प्रतिष्ठित चित्रकार और मूर्तिकार डीपी रॉय चौधरी बंगाल से नीचे आए इन मद्रास के सी एस पनीकर फॉर्म्ड चोलामंडल आर्टिस्ट कम्युनिटी इन नाइनटीन ऑल दीज आर्टिस्ट मूवमेंट्स एंड ग्रुप्स प्रोवाइडेड द नेसेसरी इम्पेट टू आर्ट एंड ब्रॉट इंडियन आर्ट द ग्लोबल प्लेटफॉर्म मद्रास में केसीएस पनिकर ने 1966 में चोला मंडल कलाकारों के समुदाय का गठन किया इन सभी कलाकारों आंदोलनों और समूहों ने कला को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान किया और भारतीय कला को वैश्विक मंच पर लाया थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो